इसको सर बड़ा थोड़ा सा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आप लोग जल्दी जल्दी सब लोग जुड़िए और शेयर करिए जल्दी जल्दी जुड़िए आज क्लास टेंथ का पहला क्लास है 2022 बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न बताया जाएगा जो इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन केवल बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव अभी चलेगा ऑब्जेक्टिव जब बता देंगे तब फिर सब्जेक्टिव बताएंगे और कंटिन्यू चलेगा कंटिन्यू सात बजे से क्लास चलेगा सब लोग को शेयर करिए सब लोग जुड़िए आज पहला क्लास है सब लोग जुड़िए जल्दी जल्दी शेयर करिए क्लास टेंथ का सब पहला क्लास 2022 बोर्ड एग्जाम जितने भी देने वाले लोग हैं सब लोग को आप लोग बताइए शेयर करिए हर जगह 2022 एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन केवल आप लोग को बताया जाएगा सब लोग को पहले शेयर करिए सब लोग को पहले शेयर करिए आप लोग शेयर करिए बताइए और लाइक भी करिए लाइक क्लास टेंथ का ही है लाइक भी करिए लाइक करिए शेयर करिए एक मिनट एक मिनट रुक जाइए शेयर करिए लाइक करिए सब लोग को बताइए आप लोग क्लास एग्जाम जितने भी देने वाले लोग हैं 2022 में उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा सब लोग जुड़े सब लोग जुड़िए तो स्टार्ट हम करेंगे हम पहला लेसन से हम पहला लेसन से स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं हम पहला लेसन से रियल नंबर से वास्तविक संख्या रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या यहां से ऑब्जेक्टिव हम शुरू कर रहे हैं सब लोग जुड़िए पांच मिनट में सब लोग जुड़ जाइए लाइक करिए पैंतीस गो लाइव है लाइक like बाईस स्टूडेंट्स की हैं और लोग लाइक करिए और लोग लाइक करिए सब लोग जुड़िए आज तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो भी लेसन हम स्टार्ट करेंगे पहले उसका फॉर्मूला सबसे पहले उसका फॉर्मूला जान लीजिए लेसन के वास्तविक संख्या कहते है। हैं किसको परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं तो पहले जाने कि परिमे की परिमेय संख्या किसे कहते हैं परिमेय संख्या सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ये सब चीज जान जाइए परिमेय संख्या कई परीक्षा में परिमेय और अपरिमय संख्या से क्वेश्चन जरूर रहता है तो परिमेय संख्या जानना बहुत जरूरी है रेशनल नंबर परिमेय संख्या के बारे में हम बता रहे हैं थोड़ा सा देखिएगा उसके बाद इसका फॉर्मूला बता देंगे इसका फॉर्मूला बताने के बाद तब आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होगा सब लोग लाइक भी करिए तैतालीस लोग लाइव है लाइक इकतीस की और लोग लाइक करिए सब लाइक करिए शेयर करिए आप लोग भी परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो ध्यान से देखिएगा परिमेय संख्या समझे लागी आप एक चीज समझ लीजिए पूर्णांक के बारे में इंटीजर्स पूर्णांक के बारे में आप जानिए पहले पूर्णांक क्या होता है जीरो सिक्स ये सब पूर्णांक है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये सब पूर्णांक है पूर्णांक दशमलव में नहीं हो सकता है जीरो पॉइंट वन चाहे जीरो पॉइंट टू ये सब पूर्णांक नहीं हो सकता है पूर्णांक जीरो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन माइनस वन माइनस दू माइनस तीन माइनस चार पूर्णांक है बाबू पूर्णांक को जानना जरूरी है पूर्णांक को समझना इसलिए जरूरी है कि जब बहुपद को हम डिफाइन करेंगे परिभाषित करेंगे जब बहुपद की परिभाषा देंगे उस समय आपको पूर्णांक की आवश्यकता पड़ेगा आपको पूर्णांक की जरूरत पड़ेगा इसीलिए थोड़ा सा पूर्णांक के परिचय जान लेते हैं पूर्णांक से परिचय करके सीधा हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे हम लोग थ्योरी पढ़ाना थोड़ी है 2022 2022 बोर्ड बोर्ड एग्जाम एग्जाम के के लिए तो के लिए तो जो है वो फॉर्मूला बता देते हैं उसके बाद हम लोग लेसन पर काम करेंगे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे थोड़ा सा पूर्णांक जान लीजिए जा। पूर्णांक दशमलव में नहीं हो सकता है पूर्णांक दशमलव में नहीं होगा या पूर्णांक जैसे रूट थ्री तो रूट थ्री का मान कितना आएगा थ्री के रूट का वैल्यू कितना आएगा एक दशमलव सात तीन दो तो रूट में वो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं हो रहा है पूर्ण रूप से तो यह भी जो है ना रूट तीन रूट पांच रूट चार हो जाएगा पूर्णांक रूट चार पूर्णांक है लेकिन रूट दो पूर्णांक नहीं है रूट तीन पूर्णांक नहीं है रूट पांच पूर्णांक नहीं है तो जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है पूरे पूरे चार के वर्गमूल पूरे पूरे दू हो जाता है ना इसीलिए पूर्णांक हो गया तो पूर्णांक बटा में भी ना हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता एक बटे दूसरे दू पूर्णांक होगा दू इसीलिए पूर्णांक होगा कि दू से चार दो बार में कट जाएगा तो दो आ जाएगा ना तो पूर्णांक होगा लेकिन एक बटे दू अब तीन बटे सात पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि जब इसको हम दशमलव के रूप में ये इसका जो भाग देंगे तो दशमलव में ना आ जाएगा भाग देने पर दशमलव में आ जाएगा बाबू इसीलिए ये आपका पूर्णांक नहीं है तो पूर्णांक कौन कौन है सर तो पूर्णांक जो है स्टूडेंट्स आपका जीरो सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो, एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन या माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स ये सब पूर्णांक है ये सब पूर्णांक है पूर्णांक दशमलव में नहीं होता है पूर्णांक जो है रूट में नहीं होगा वो रूट में होगा रूट फोर का पूर्णांक नहीं है इन रूट में ऐसा संख्या ना होना चाहिए जिसका वर्गमूल दशमलव में आवे तो पूर्णांक कौन कौन है बाबू जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह इस सब क्या है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार पूर्णांक अब हम आपसे पूछेंगे जीरो दशमलव दो पूर्णांक है तो नहीं पूर्णांक दशमलव में नहीं होता है पूर्णांक बाबू दशमलव में नहीं होता है तो ये पूर्णांक है चलिए पूर्णांक को जान लिए हम लोग अब हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में क्योंकि परिमेय और परिमेय संख्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है आप लोग को वास्तविक संख्या में संख्या तो परिमेय संख्या की आप लोग परिभाषा जानते होंगे आप लोग का बहुत लोग को परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं है तो जिनको नहीं पता है जरिए सीख लीजिए बढ़िया से परिमेय संख्या कहते किसको है सब लोग बताएगा कि वैसा संख्या वैसी संख्या जो p वा q के रूप में हो नहीं और इससे पहले परिमेय संख्या को परिभाषा देने से पहले एक चीज हम और बता देते हैं आप लोग को मानक रूप के बारे में मानक रूप क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इससे मान लो बाबू कि 20 वटे तीस है ठीक कोई परिमेय संख्या है 20 वटे तीस इसको हम मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं इसको मानक रूप में लिखना है इसको काट छांट करिए काटिए जीरो से जीरो कट गया बचा दो बटे तीन बीस बटे तीन था इसको काट छांट के कर दिए दो बटे तीन तो बीस बटे तीस के बीस बटे तीस के मानक रूप हो गया दो बटे तीन इसे मान लिया जाए कि दस बटे पंद्रह है और इसको मानक रूप में लाना है क्योंकि परिमेय संख्या को समझने के लिए आपको मानक रूप जानना जरूरी है ये सब किसी को मालूम नहीं रहता है हम बताएंगे परिमेय संख्या के परिभाषा लोग कैसे बताता है और हम सबसे अलग कैसे बताते हैं जरा से देखिएगा दस बटे पंद्रह है इसको मानक रूप में लाइए पच पद से काटिए पांच से दस दो बार में और पाँच से पंद्रह तीन बार में पाँच से दस दो बार में पाँच से पंद्रह तीन बार में तो दो बटे पाँच हो गया दस बटे पंद्रह के मानक रूप तो मानक रूप आप समझ गए होंगे कि काट कूट के जो आ जाता है ना जो बच जाता है ना वही हो गया मानक रूप आपका परिमेय संख्या आप समझिए परिमेय संख्या रियल में कहते किसको हैं किताब में भी गलत लिखा हुआ रहता है किताब में भी परिमेय संख्या की परिभाषा सही नहीं लिखता है मैं लिख रहा हूं देखिएगा वैसा संख्या जो वटा Q के मानक रूप में हो वैसी संख्या जो पी वटा क्यू के मानक रूप में हो और वैसी संख्या जो पी वडा क्यू के मानक रूप में हो और पी तथा Q पी तथा Q पूर्णांक हो पी तथा Q पूर्णांक हो मतलब वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के मानक रूप में हो पी वक्यू के जब मानक रूप आएगा ना उसके बाद देखना है कि पी और क्यू पूर्णांक हो लेकिन पी और क्यू पूर्णांक हो लेकिन क्यू का मान जीरो ना हो पी और क्यू पूर्णांक हो पी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पूर्णांक हो लेकिन क्यू का मान जीरो के बराबर ना हो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यू बराबर नहीं है जीरो के किताब में ऐसा परिभाषा नहीं रहता है किताब में कैसा रहता है जानते हैं वैसा संख्या जो पीवडा क्यू के रूप में हो नहीं वैसा संख्या जो Q के मानक रूप में हो यदि किताब के अनुसार चलिएगा ना कि वैसी संख्या जो पीवडा क्यू के रूप में हो और पी और क्यू पूर्णांक हो लेकिन क्यू का मान जीरो ना हो यदि ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा कैसे हम पूछेंगे आपसे कि बताइए रूट आठ बटे रूट अठारह कौन संख्या है परिभाषा के अनुसार तो परिमेय नहीं होगा कहा ना होगा कहे कि पी बटा क्यू के रूप में तो है बाबू दसवा में बता रहे पहला लेसन का हम बता रहे टॉपिक पी बडा क्यू के रूप में तो है लेकिन क्या पी और क्यू पूर्णांक है नहीं है तो ये तो परिमेय संख्या ना होना चाहिए लेकिन परिमेय संख्या ही है परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो परिमेय नहीं है लेकिन ये परिमेय है क्योंकि तो परिभाषा ही गलत है किताब में किताब कौन लिखता है आदमी तो हम लोग का सोच उससे भी थोड़ा विकसित होना चाहिए ना वो पुराना किताब लिखा हुआ है और पहले से कुछ अब विकसित होना चाहिए दिमाग तो हम लोग का दिमाग विकसित हुआ और विकसित होकर के तब कहते हैं कि परिभाषा गलत है किताब में हम 20 परसेंट चीज को गलत मानते हैं और उसको हम एग्जाम्पल के साथ

अब मैं बताता हूं वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के मानक रूप में हो वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के मानक रूप में हो और पी तथा क्यू लेकिन क्यू का मान जीरो ना हो जैसे देखिए रूट अठारह बटे सॉरी रूट आठ बटे अठारह परिमेय संख्या कैसे है तो पहले अगर हम मानक रूप में लाइए कोई भी पता करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है तो बटा में है सर बटा में है सर तो परिमेय तो होगा ना सर हाँ लेकिन P और Q पूर्णांक भी तो होना चाहिए तो P और Q पूर्णांक ना है तो मानक रूप में लाइए पहले इस परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखिए इसको मानक रूप में जब तक ना ना लिखिएगा P बटा क्यू को तब तक हम P और Q को नहीं चेक कर सकते हैं क्यू मतलब पूर्णांक है कि नहीं इसको मानक रूप में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा मानक रूप में लिखिएगा तब आठ के कर दीजिए चार गुने दू के लिख सकते चार गुने दो बटा अठारह के लिख सकते हैं नौ गुने दो रूट दो नौ के रूट हो जाएगा तीन आई दो के ना होगा तो रूटे में छोड़ दीजिए रूट दो से रूट दो कट गया बचे गया दो बटे तीन तो रूट रूट आठ बटे रूट अठारह के मानक रूप में आया बटे तीन तो जब तक हम पी बटा क्यू को मानक रूप में नहीं लगते हैं तब तक हम कैसे तो कर देंगे काट छाट जो भी त्रग्मूल, त्रग्मूल जो करना है उसको मानक रूप में पहले ले लाइए तो रूट रुटार आठ बटे रूट अठारह को मानक रूप में लाए दू ब अब देखिए है दो का मान तीन

क्योंकि इसको मानक रूप में जब हम ला रहे हैं और उसके बाद P और Q का मान देखना है कि पूर्णांक है कि नहीं है तो आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ये सब तो हम बता रहे हैं कमेंट करिएगा बाबू बाहर कर दिया जाएगा ग्रुप से कमेंट इसीलिए ना करिए सबको बोल दिया जा रहा है कुछ भी ना लिखे कमेंट बॉक्स में नहीं तो बाहर हो जाइएगा फालतू के फिर मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का हम बता दे रहे हैं आज पहला दिन है ना तो थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में बता दिए ऐसे लोग इसको कह देगा अपरिमेय संख्या इसीलिए हमको बताना पड़ा कि नहीं इसको मानक रूप में लिखिए आठ को चार गुने दो करिए अठारह के नौ गुने दो चार के दो हो जाएगा ई दू रूटे में रह जाएगा नौ के तीन बरगमोल ई दो रूटे में रह जाएगा रूट दो से रूट दो कट गया दो बटे तीन बच्चा तो रूट आठ बटे रूट अठारह के दो बटे तीन आया मानक रूप और अब यहाँ बटा में है ये है p का मान दो है q का मान तीन है तो दो और तीन पूर्णांक होता है हम बताए ना पूर्णांक परिमेय संख्या पढ़ाने से पहले तो ये हो गया परिमेय संख्या आपका मिला देते हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए ये सब ऑब्जेक्टिव पढ़ावेंगे तब आप लोग फॉलो करिएगा ये सब तो आप लोग जानते भी हैं फिर भी लेकिन ये बात नहीं जानते थे तो वैसा परिमेय संख्या जो पी मानक रूप में हो तो चलिए दूसरा कुछ ट्रिक बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए जैसे जीरो दशमलव तीन है इस पर रेकरिंग है अब जीरो दशमलव तीन है तीन पर एक रिंग है ना तो इसका मान क्या होगा इसका हम ट्रिक बता देते हैं दशमलव के बाद एक अंक पर एक रिंग रहेगा ना तो इसमें क्या करिएगा कि एकरिंग है दशमलव हटा के में एक और नौ लिख दीजिए इसको बोलेगा कि परिमेय संख्या के रूप में बताइए इसको पी बटा क्यू के रूप में वैल्यू बताइए तो दशमलव रेकरिंग हटाइएगा तो बटा में एगो नौ होगा एक अंक पर रेकरिंग है तब तीन बटे नौ ट्रिक बता रही ट्रिक हुआ ये कोई मेथड नहीं है इसका मेथड दूसरा है पर ट्रिक हो गया ये को परीक्षा में आता है तीन तीन, तीन कट जाएगा एक बटे तीन बचेगा ऊपर एक बटा में तीन अब जीरो दशमलव पर रेकरिंग है इसका मान कितना होगा इसका पी व्यू के रूप में मान कितना इसका मान क्या होगा तो बनाना नहीं है ऑब्जेक्टिव में हम ऑब्जेक्टिव कल से पढ़ाएंगे आज कुछ उसका बात हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव का ही जीरो छ का रेकरिंग है छ पर एक रिंग है तो छरिंग दस दशमलव दोनों हटाइए एक दस दशमलव कहता है कि जब हम हटेंगे तो जय अंक पर एक रिंग रहेगा में उतने नौ लेकिन एक अंक पर न रेकरिंग है तो बटा में नौ इसको मानक रूप में लिख दीजिए काट के तीन से तीन से कटेगा ना बाबू तीन से छ में और तीन से नौ तीन बार में तो दो तीन आ गया परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है जीरो दशमलव सात पाँच पर एक रिंग दो अं, अंक दू गो अंकवा के है सर दो गो अंकवा के पर डंटा रखा ले सर दू गो अंकवा के मथुआ पर डंटा रखा ले सर डंटा हटाबो माता पर से दसमलो हटाबो अब बटा में जानते हो कै गो नौ लिखो दो अंक पर एक रिंग है तो बटा में दो गो नौ लिखिए कटता है तो काटिए मानक रूप में हमको तो लगता है कि कट जाएगा तो काटिए न कटेगा तो न कटेगा मानक रूप में लाना है तो ला सकते हैं तीन तीन से कटेगा कहा तीन तीन से कट सकता है तीन से पचहत्तर कट जाएगा पच्चीस तीन पचहत्तर तीन से पचहत्तर में पच्चीस पच्चीस से काटिए ना तो पच्चीस तीन पचहत्तर ना, ना सॉरी तीन तीन से काटिए तो तीन से पचहत्तर पच्चीस बार में और तीन से निन्यानवे तैतीस बार में तीन से निन्यानवे तैतीस बार में और तीन से पचहत्तर पच्चीस बार में पचीस बटा तैतीस आ जाएगा तो रेकरिंग वाला सवाल रहेगा ना बाबू वो आता है रेकरिंग वाला जरूरी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में तो रेकरिंग हटाना बटा में नौ लिखना दो अंक पर एक था तो बटा में दो गो नौ सर तीन अंक पर एक रहेगा तब सर तो भी मैं बताऊंगा जिसे देखिएगा अभी मैं लिख रहा हूं जीरो दशमलव सात छठ है जीरो दशमलव सात छ आठ तीन अंक पर एक रिंग है तो बाबू तीन अंक पर एक रिंग है ना तो रेक रिंग वो हटाइए दशमलव यो हटाइए रेक रिंग वो हटाइए बैंडेज वो हटाइए दशमलव यो हटाइए माथवा पर से बैंडेज भी हटाइए दशमलव भी हटाइए कै गो नौ आवेगा सर एक गो तो तीन अंक पर एक रिंग है तो कै गो नौ, तीन गो नौ सर चार अंक पर एक रिंग रहेगा के बटा में अंक अंक पर पर एक पर एक जय रिंग रहेगा बटा में उतने नौ होगा आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए आज पहला क्लास है जितना भी विद्यार्थी 2022 बोर्ड एग्जाम देने वाले क्लास टेंथ के हैं उनके पास पहुंचाइए कि कल से ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है आज से ना कल से लेकिन उसी का मैं कुछ बात बता रहा हूं आप लोग को सूत्र भी बताऊंगा ट्वेल्थ पांच बजे से लाइव रहते हैं और टेंथ सात बजे से लेकिन ट्वेल्थ वाला के आप छह बजे से लाइव करेंगे ट्वेल्थ वाला को छह बजे से और टेंथ वाला के लाइव करेंगे सात बजे से छः बटे नौ के हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लाए मानक रूप में काट छाट के कानी छः बटे नौ ऑप्शन न रहे तेरा काट छाट के ले ना तीन तीन से काटेगा ना तीन से छः दो बार में तीन से नौ तीन बार में बटे तीन चलिए बाबू मान लो कि चार अंक पर एक रिंग है जीरो दशमलव दो सात छ आठ नौ अंक पर एक रिंग है मान लो कि यहां पर ही एक है पांच अंक पर एक करेंगे दस हम के बाद एक दो तीन चार पांच पांच आदमी के माथा फूटल है पांच आदमी के बैंडेज होल है तो पांच आदमी के बैंडेज होल है तो बैंडेजवा जब खोलिएगा ना तो अगर बैंडेजवा खोले के फी जमा करिएगा कि ना करिएगा पांच आदमी पर बैंडेज है एक दो तीन चार पांच पांच आदमी के माथा पर बैंडेज है तो बैंडेज खोलो बैंडेज खोलो अब बैंडेज जब खोलोगे तो दशमलव को भी हटा दीजिएगा दशमलव और बैंडेज दोनों हटाइए और लिख दीजिए दो सात छ आठ एक अब बटा में कई गो नौ कै अंक पर एक रिंग था एक दो तीन चार पांच अंक पर तो बटा में पांच गो नौ एक दो तीन चार पांच बटा में पांच गो नौ कहा लिखे सर पांच अंक पर एक रिंग है तो बटा में पांच गो नौ हो पांच अंक पर एक रिंग है तो बटा में पांच गो नौ होगा चलिए आप समझ गए होंगे आप लोग एक अंक पर एक रिंग तो बटा में एक रिंग बटा में दो गो नौ तीन अंक पर एक रिंग बटा में तीन गो नौ चार अंक पर एक रिंग पर एक रिंग, तो रिंग हटा के और उसको यदि परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो बटा में जय गो रहेगा जय अंक पर एक रिंग रहेगा बटा में उतने नौ ट्रिक हुआ सर अब कुछ अलग तरह के मैं बता रहा हूं देखिएगा है सर मान लो कि ऐसे रहेगा दो दशमलव तीन इसका ट्रिक क्या है सर जीरो दशमलव करके नहीं है दो दशमलव है तीन और तीन पर एक रिंग है सर इसका मान कैसे निकालेंगे सब बताएंगे बस शांति से आप लोग खाली देखते रहिए बाबू दो दशमलव तीन दो दशमलव तीन पर एक रिंग एक मान का परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तब कैसे निकालेंगे सर एक का ट्रिक बनाए हैं आप हम बनाए दुबा कहेंगे अलग हो जाओ तुम हटो जीरो दशमलव करके ना बटा में नौ लिखेंगे। करेंगे दो दशमलव तीन पर एक रिंग है ना बाबू तो आप कहा करिए ना विद्यार्थी लिख दीजिए जीरो दशमलव तीन पर एक रिंग अरे दो में जीरो जोड़ेंगे तो दो तो हो ही जाएगा दो में जीरो जोड़ेंगे तो दो ना हो जाएगा अब दो प्लस लिखिए दो उतारिए, प्लस उतारिए। वही उपाय फिर करिए कि हटो, हटो, अब बटा नौ आ जाओ चाहेंगे तो एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग नौ बाई एलसीएम इसका हो जाएगा भिन्न के जोड़ ना हो गया नौ और नौ दून अठारह ना हो जाएगा ये नौ दून अठारह एक आधार एक है ना तो बेस जब एक रहता है आधार एक रहता है तो डायरेक्ट एलसीएम से गुना तो कर देते हैं नौ एलसीएम लिए थे नौ दून अठारह आई तो नौ से नौ कट जाएगा एक बार में एक में तीन से गुना करेंगे तीन अठारह तीन कितना इक्कीस बट नौ अब इक्कीस बटे नौ के चाहेंगे कि मानक रूप में लावे तो काट छाट तीन तीन से करिए तीन से नौ तीन बार में से तीन से इक्कीस सात बार में तीन से नौ तीन बार में तीन से इक्स सात बार में सात बटे तीन आ जाएगा दो दशमलव तीन पर एक रिंग था इसका आ गया सात बटे तीन परिमेय संख्या के रूप में सब लोग को शेयर करिए बताइए 2022 बोर्ड में एग्जाम में आने वाला प्रश्न आता है तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं अब मैं बताता हूं कि जैसे रहेगा चार दशमलव या पांच दशमलव परिंग है इसको क्या करिएगा तो पार्ट में तोड़ दीजिए दशमलव के पहले जीरो रहना चाहिए दशमलव के पहले पांच है रोगी डॉक्टर के साथ रह सकता है बैंडेज उज कर दशमलव डॉक्टर है, है। तेरा बैंडेज हुआ है तुम कहल आया है फालतू पेशेंट मत रहो यहां पर फालतू पेशेंट हटो यहां पर इससे पांच तो हटो पांच बेचारा अलग हो जाता है अलग हो जाओ पांच और जीरो दशमलव लिखेंगे छो पर एक रिंग जीरो दशमलव छह कुछ पांचवा अलग हो गया था दशमलव के पहले तो जीरो ना लीजिएगा पांच अलग कर दिए हम लोग और जीरो दसमलव छो पर एक रिंग पांच प्लस उतारिए अखिया से देख के कलमिया से और दशमलव डॉक्टर वो के हटाइए और बैंडेज वो के हटाइए अब बटा में लिख दीजिए नौ नौ रुपया फी जमा करिए करिएसम तो एक रिंग हटा के बड्डा में को नौ लिखिए अभी भिन्न के जोड़ हो गया चाहेंगे तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे भाई बड्डा में नौ है तो नौ एलसीएम सी एम और पाँच के कोई आधारे नहीं है ना किसे आधार एक है अगर बेस एक छुपल है तो जगह आधार एक छुपल रहता है ना डायरेक्ट हम एल सी में से करा गुना कर देते हैं तो नौ पंचे पैंतालीस प्लस है तो प्लस ही नौ से नौ तो एक बार में कटेगा और एक को छ से गुना कर दीजिए तो छ पैंतालीस में छ जोड़ दीजिएगा एक कामन बटे नौ पैंतालीस में छह जोड़ेंगे एक कामन बटे नौ अब एकामन एक बटे नौ के आप मानक रूप में ला सकते हैं तीन तीन से कटेगा तीन से एकामन सत्रह बार में तीन से नौ तीन बार में अब मानक रूप में भी ला सकते हैं कोई कमेंट करेगा बाबू बाहर कर दिए जाओगे इसीलिए कमेंट ना करिए हाँ स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग आधा घंटा ही क्लास चलेगा कल से ऑब्जेक्टिव शुरू कर देंगे हम मान लो कि बाबू रहेगा इस तरह से कि सात दशमलव चार तीन पर रेकरिंग अब कहेगा इसका मान बताओ ऑब्जेक्टिव में तो हबड़ाना हाँ नहीं है सात दशमलव चार तीन पर एक रिंग है तो हम बोले ना कि रेकरिंग वाला मैथ में दशमलव के पहले जीरो रहेगा ना तो बड़ा आसान रहेगा बनाना तो दशमलव के पहले सात है तेरा दो पार्ट में कर दीजिए सात प्लस जीरो दशमलव चार तीन परेकरिंग। पर एकरिंग सात के कि तू काहे लाए बैंडेज ना हो रहा है डॉक्टर भी तू कहा रह के करेगा तू अलगे हो जाओ सात प्लस जीरो दशमलव चार तीन पर एक रिंग सात प्लस उतारिए और चार तीन पर जो रेकरिंग होलै ना ये चार तीन पर से रेकरिंग हटा दीजिए और बटा में दो गो नौ लिखिए कहे दो अंक पर एक रिंग है ना सात को अलग कर दिए सर एकदम सात है कहेंगे तो अलग हो जाओ और चार तीन पर एक रिंग था चार तीन पर से रेकरिंग हटाइए और दो अंक पर एक रिंग है तो दो गो नौ दीजिए अब तो एलसीएम ले लीजिए निन्यानवे बटा में निन्यानवे है तो एल्सियम निन्यानवे ही ना होगा बाबू इसको चाहेंगे तो पूर्णांक में दे लिखना चाहेंगे में ले लीजिए ना बटा में निन्यानवे है हर में निन्यानवे है तो निन्यानवे एल्सियम अब सात के बटा में एक छुपल है ना सात के बटा में कुछ न है सर अरे भाई सात के बटा में कुछ न एक तो छुपल है ना तो हम डायरेक्ट निन्नावे से सात में गुना कर देंगे गुना कर दीजिएगा एलसीएम भिन्न के जोड़ आता है ना बना लीजिएगा तरीका तो समझ गए होंगे आधा घंटा हो गया बस आज पहला क्लास था इसीलिए थोड़ा सा बताए कल से हम लोग लेसन पर आ जाएंगे और कल से लेसन का सूत्र बता देंगे और से रेगुलर चलेगा एक दिन बीच सात बजे से और वाला बजे से सब को शेयर कर दीजिए आप लोग हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इसका लाभ ले सके बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को शेयर करिए आप लोग हर जगह